subscribe to Sky 247 channel and press the bell icon so you never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमशेद और आपका स्वागत है स्काई 247 के एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चौथा दिन समाप्त हो चुका है एमिरेट्स G10 लीग पावर्ड बाय स्काई 247 का, और इस चौथे दिन के पहले मैच में फिर से अबुधाबी एक और मैच हार गया और हारा है दुबई पल्स सिक्योर से। दुबई ने 5 विकेटों से उनको ये मैच हराया था, क्योंकि भैया 100 रन का मार्क फिर से पार नहीं कर पाई थी दुबई की ये टीम। 89 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। मोहम्मद फारूक बने थे मैन ऑफ द मैच, भैया 3 विकेट निकलती 18 रन लेके, और दुबई के बॉलर्स ने काफ़ी फैंटास्टिक फिनोमिनल जॉब परफॉर्म किया था। लेकिन 5 विकेटें गवा दी थी बल्लेबाजी जब करने आए थे, पर कंफर्टेबली 9वें ओवर में चेज कर लिया और जीते यहाँ पे एक और। तो दूसरा जो मैच हुआ था टूर्नामेंट का, वो मेरे हिसाब से टूर्नामेंट के अभी तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन मैच था। फुजारा पैसिफिक वेंचर्स वर्सेस ईसीबी ब्लूज के मैच था भैया। दोनों सबसे बेस्ट टीम्स हैं टूर्नामेंट की, और फुजारा पैसिफिक वेंचर्स ने ये मैच जीत लिया था ईसीबी ब्लूज से मात्र 8 रन से। तो इतना क्लोज मैच था ये। फुजारा पहले बैटिंग करने आए थे, 126 रन बनाए थे, चिराग सूरी ने 64 रन की पारी खेली थी, मात्र 30 गेंदों में मैन ऑफ द मैच भी मिला था उनको। तो अगर करेंट फॉर्म जो चल रहा है ईसीबी ब्लूज का, अगर उसको मद्देनजर देखा जाए तो इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था ईसीबी ब्लूज कंफर्टेबली इसको चेज कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फुजायरा के बॉलर्स ने क्या कमाल की बॉलिंग करी है और अर्ली विकेट्स लेने में कामयाब हो गए। जो इनफॉर्म स्टार्टिंग के ओपनर्स थे और इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनको जल्दी आउट कर दिया। तो वहीं से ईसीबी ब्लूज को ये मैच हार गए, वो ये मैच भारी पड़ गया, क्योंकि वो बॉलिंग थी ना वो बहुत शानदार हुई, और वसीम अहमद और मोहम्मद अजहर ने क्या कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करी है। ये तो क्रेडिट फुजारा पैसिफिक वेंचर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आउटस्टैंडिंग बैटिंग ने यहाँ पे मैच जिता दिया उनको। भैया अब तो बहुत समय हो चुका है और बहुत टाइम हो चुका है जब मैंने लास्ट आबू धाबी को जीतते हुए देखा था, क्योंकि यहाँ पे आखिरी मैच में दिन के फिर से एक और मैच हार गए हैं और हारे हैं शारजा बुखातिर 11 से। शारजा जीत गई है 6 विकेटों से और सिर्फ मात्र चेस कर रहे थे 85 रन का। वृत्ति अरविंदा बने थे मैन ऑफ द मैच, 53 रन की पारी खेली थी मात्र 25 गेंदों पर, तो एक कमाल का नॉक था जबकि चेस कर रहे सिर्फ 86 रन। बहुत कमाल के नॉक से बहुत अच्छी बॉलिंग के कारण यहाँ पे शारजा जीत गए और तीसरी पोजीशन गेन कर ली है पॉइंट्स टेबल पे, और एज यूजुअली अबुधाबी है आखिरी पोजीशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।